LHR at x is equal to 1, fx is equal to LHR at x is equal to 1, fx is equal to limit x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h. Limit h tending to 0 f 1 minus h. अब जरा देखिएगा ये काम मुझे हर क्वेश्चन में करना है. जैसे मेरे को लिमिट कहां पर निकालनी थी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर निकालना था, तो जो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा. लिखने का तरीका है बस ये, हर क्वेश्चन में ये 1 2 और 3 ये तीन स्टेप्स आपको सेम करने हैं बस. सर ये 1 के ऊपर साइन क्या है राइट में? हां LHR के ऊपर नहीं सर, ये जो x टेंडिंग टू 1 है राइट साइड वाले में, उस पे 1 के ऊपर ये क्या है? 1 के ऊपर पावर में माइनस. सर ऐसा क्यों बता रहा हूँ अभी. वन के ऊपर जो पावर में माइनस है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने नंबर लाइन की बात करी. यस सर. नंबर लाइन में मेरे पास इधर होता है इनफिनिटी, इधर होता है माइनस इनफिनिटी, यहाँ होता है जीरो और यहाँ है यहीं पर वन. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि जो हमारा वन है ना ये कितना सेंसिटिव है. हम ये देखना चाहते हैं. अब सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि वन से जरा सी वैल्यू कम हो जाए या वन से जरा सी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो मेरे फंक्शन की वैल्यू पर कोई फर्क ना पड़े. तो इस चीज को मैं बोलता हूँ कि ये जो है ये बहुत कम सेंसिटिव लिमिट है. कम सेंसिटिव लिमिट का मतलब ये है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम रियल टाइम किसी भी क्वेश्चन से जोड़ें, लिमिट्स का यूज फिजिक्स में भी बहुत होता है, अगर मैं इसको कहीं पर भी रियल टाइम एनालिसिस में जोड़ू तो हम घरों में जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, तो उसमें हमको ये बोला जाता है कि एसी का कहीं कंप्रेसर खराब ना हो जाए तो एसी के साथ एक स्टेबलाइजर भी साथ में लगाइए. होता है ना ऐसा? यस सर. स्टेबलाइजर क्या होता है, हमें मालूम है हमारे घरों में वोल्टेज कितनी आ रही है, 220 वोल्ट्स. तो हम ये जानते हैं कि अगर 220 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए वैल्यू या 220 से थोड़ा सा कम वैल्यू भी आ जाए वोल्टेज की, तो मेरा एसी जो है मेरा एसी प्रॉपरली चलता रहे. ठीक. तो इस चीज को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी. कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए हमारा जो स्टेबलाइजर है वो इतना सेंसिटिव है कि 220 से जरा सा ज्यादा हो गई अगर वैल्यू, तो स्टेबलाइजर उसको कट डाउन कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब लाइन जो है वो लाइन को वहां से डिस्कनेक्ट कर देगा. और अगर मान लीजिए 220 से जरा सी कम रह गई, मान लीजिए 219 वोल्ट, तो अगेन डिस्कनेक्ट कर देगा. तो फिर तो हम बैठकर एसी को बार बार स्विच ऑन यही करते रहेंगे क्योंकि वोल्टेज तो लगातार फ्लक्चुएट होती है. ठीक. बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज तो आती ही नहीं है. तो अब है क्या, वही चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि वन से जरा सी ज्यादा भी हो जाए वैल्यू या वन से जरा सी कम भी वैल्यू हो जाए, मेरी जो लिमिट की वैल्यू है वो लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए. तो वन से जरा सी कम वैल्यू को हम बोलते हैं वन की पावर माइनस. वन से जरा सी कम जो वैल्यू है उसको मैं बोल देता हूँ वन और ऊपर पावर में लिख देते हैं माइनस. और 1 से जरा सी ज्यादा जो वैल्यू होती है उसको मैं पावर में लिख देता हूँ 1 प्लस. इतना क्लियर है? यस सर. इतना क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब भी मैं लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो लिमिट कैलकुलेट करते टाइम हमारे पास एक चीज दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मेरा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों स्टेप्स ये बिल्कुल सेम रहेंगे. सिर्फ अंतर किस चीज का आएगा कि मैं लिमिट किस वैल्यू पर कैलकुलेट कर रहा हूँ. हम कर रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1. x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या है कि यहाँ आएगा LHR at x is equal to 1 fx. ये हो गया. For example, yes, equation में होता है लिमिट x टेंडिंग टू 5. तो मैं लेता LHR at x is equal to 5 fx. तो यहाँ पर 1 की जगह 5 आ जाता. बस इतना अंतर. अगला स्टेप लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx. फिर मैं लिखूंगा ये LHR होता है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx. ये हो गया. फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मतलब h जो है वो h होता है डिफरेंस. वो डिफरेंस बहुत कम है, इतना कम है कि वो लगभग 0 के बराबर है. ठीक है. अब वो डिफरेंस किस चीज का मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए बस. तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह डाल देंगे 1 माइनस एच. 1 माइनस एच का मतलब क्या है, h की वैल्यू बहुत मामूली है, बहुत छोटी वैल्यू है. तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 1 से जरा सा पीछे चलता हूँ तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 0.999 वैल्यू हो गई. तो हमने 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करा ना,
0.9999, तो मैंने 1 में से क्या सबट्रैक्ट करा, 0.0001, तभी तो 0.9999 आया। यस सर, ठीक है। तो 0.0001 ये कितनी बड़ी वैल्यू है, ये मामूली सी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो हम इस वैल्यू को बोलते हैं h, where h is very very small that it tends to zero, कि h zero के लगभग बराबर है, zero नहीं है। h कितना है, 1 में से कितना सबट्रैक्ट करा था, 0.0001, ठीक है। तो h बहुत छोटा है, 0.0001 को मैंने approximately कितना मान लिया, zero ही मान लिया। ये हर क्वेश्चन में लिखना है। फिर आप देखिएगा, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, इसका मतलब x tending to 1 minus, मतलब x 1 से छोटा है। जब x 1 से छोटा है तो fx की वैल्यू क्या है, x square minus 1। Yes, sir. ब्रैकेट में x था तो x square minus 1, लेकिन ब्रैकेट में 1 minus h है, तो x की जगह 1 minus h substitute कर। 1 minus h का whole square। बहुत बढ़िया, 1 minus h का whole square minus 1। Minus 1। है ना, x की जगह 1 minus h का। तो अगला step क्या होगा? Limit h tending to 0, 1 minus h का whole square minus 1। ठीक है, अब इसको एकदम से दिमाग में ही आता है, अरे h तो लगभग जीरो के बराबर है, h की वैल्यू जीरो डालो और 1 माइनस जीरो यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 1 जीरो, रिजल्ट जीरो आ गया। सीधा सीधा जीरो लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, हम पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद देखते हैं कि अगर जीरो आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कई केसेस ऐसे भी होते हैं यहाँ जीरो नहीं आता, ठीक। जरा देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, याद रखिएगा पहले एक्सपेंड करेंगे फिर आगे चलेंगे। 1 माइनस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 1 स्क्वायर का मतलब 1 है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 कट जाएगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स में एच आ रहा है। ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर माइनस टू एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर माइनस टू एच। हम इसमें क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगा एच की जगह आपने डाला जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, ये आ गया जीरो। इसका मतलब क्या है कि मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैंने कैलकुलेट करी तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो आ गई। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट, अगर वो भी बराबर आती तब मैं कहूंगा फंक्शन डिफाइंड होगा, फंक्शन डिफाइंड होगा और जो वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू होगी लिमिट, ठीक है। तो आर एच एल निकालते हैं, 1 2 3, ये तीन स्टेप सेम है एल एच एल में, यही तीन स्टेप आर एच एल में लिखने हैं, बस 1 माइनस की जगह 1 प्लस हो जाएगा और यहाँ f 1 माइनस h की जगह हो जाएगा f 1 प्लस h, ठीक है। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ RHL at x is equal to 1 fx is equal to limit x tending to 1 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 plus h। इतना हो गया, ये करने के बाद में हम क्या करेंगे, लिमिट h tending to 0 f 1 plus h, ये करने के बाद हमें करना होगा 1 से जरा सी बड़ी है वैल्यू। तो जब when x is greater than 1, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन है माइनस x square माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है बेटा, 1 plus h, मैं लिखूंगा लिमिट h tending to 0, बस जहां पर x है ना वहां पर 1 plus h डाल दीजिए, तो बाहर माइनस 1 माइनस ऑफ 1 plus h का होल स्क्वायर माइनस 1। बताइए समझ गए इसको, ब्रैकेट में डाल दीजिए कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो लिमिट h tending to 0, बाहर माइनस है, 1 प्लस एच के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1
अभी आ जाएगी वीडियो वापस, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब एक्सपेंड करिए माइनस वन, माइनस एच स्क्वायर, माइनस टू एच, माइनस वन, इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ब्रैकेट में माइनस वन कितना हो गया माइनस टू, माइनस टू, माइनस एच स्क्वायर, माइनस टू एच, एच की जगह वैल्यू डाल दिया जीरो, लिमिट जब एच की वैल्यू जीरो डाल दी तो माइनस टू माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो, ये वैल्यू आ गई माइनस टू। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे सिंस LHL at x is equal to 1, fx is not equal to RHL at x is equal to 1, fx, so limit x tending to 1, fx does not exist. ठीक है? Yes sir. एनसीईआरटी आपके पास अभी है नहीं, आंसर इसका यही है, समझ में आ गया क्वेश्चन 24? Yes sir. हाँ जी, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 पर, ये बता रहा हूँ पूरा। सर ये बीच वाली लाइन एक सेकंड में। अच्छा नोट करना है, तुम्हें इधर का लेफ्ट का बता रहा हूँ। चलिए जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx where fx is equal to modulus of x upon x, modulus of x upon x comma when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. Question clear hai? Yes sir. Limit x tending to 0 fx nikalna hai, to agar left hand limit nikalunga to wo aa jayega beta limit x tending to 0 minus fx, right hand limit nikalunga to wo aa jayega limit x tending to 0 plus fx. Theek, ab aage badhte hain isme. यहाँ पर क्या चक्कर है कि यहाँ पर मुझे पहले से ही मॉड एक्स ले रखा है, और जब मॉड एक्स ले रखा होता है ना तो मेरा पहला टारगेट ये होता है कि मैं मॉड एक्स को पहले इसकी मॉड एक्स की डेफिनेशन लगाऊं, यहाँ पर पहले मैं मॉड एक्स को सिंप्लीफाई करूँ, है ना, क्योंकि मॉडुलस जब तक लेगा तब तक मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्वेश्चन को। तो जरा देखिए यहाँ इसके सॉल्यूशन में, इससे पहले कि मैं एल एच एल और आर एच एल उसका फंडा लगाऊं, उससे पहले जरा फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर। मेरी वीडियो प्रॉपर दिखाई दे रही है? यस सर। अटक तो नहीं रही है ना बीच में? नो सर। ठीक है, लेट अस डिफाइन द फंक्शन एफएक्स फर्स्ट। सबसे पहले आप फंक्शन एफएक्स को डिफाइन करिए। तो देखिए एफ एक्स हो जाएगा यहां पर, मैं ये जानता हूं कि मॉडुलस एक्स क्या होता है,
बेटा आगे का नोट कर लिया? यस सर। आगे का नोट कर लिया तो बेटा हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे को मॉडुलस एक्स डिफाइन करना होता है तो मॉडुलस एक्स क्या होता है? डेफिनेशन। ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रिकॉल कराने के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज कि डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस एक्स ये होता है मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स व्हेन x is greater than equal to 0। ये डेफिनेशन होती है। अब जरा देखिएगा कि जैसे यहां दे रखा है fx is equal to mod x upon x, सर वीडियो चली गई। आइए भी आइए गई। यस सर। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे एफएक्स है तो अब मैं mod x को डिफाइन करूंगा, तो यहां पर दे रखा है x is not equal to 0, है ना? एक तरफ तो दे रखा है x is not equal to 0 और एक तरफ दे रखा है x is equal to 0। इसका मतलब क्या है? तो जब x की वैल्यू 0 होगी तब तो फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है। When x is not equal to 0, not equal to 0 का मतलब क्या है? या तो x 0 से छोटा होगा या x 0 से बड़ा होगा, यही तो है। और तीसरी वैल्यू दे रखी है x is equal to 0 वाली, तो पहले मैं बात कर दूंगा x is less than 0। तो जब x less than 0 हो जाएगा तो mod x क्या हो जाएगा? माइनस x। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा माइनस x अपॉन x when x is less than 0। yes sir। और दूसरा है 0 पर, जब 0 है 0 कब होगा? when x is equal to 0। तीसरी वैल्यू क्या है कि अब जब x बड़ा होगा when x is greater than 0 तो mod x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस x। mod x की जगह लिखिएगा प्लस x, प्लस x अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। बेटा एज पर डेफिनेशन होता है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इक्वल टू 0 पर अलग वैल्यू दे रखी है, इस वजह से मैंने सिर्फ इसको ग्रेटर देन 0 लिखा है। ठीक है, अब इस फंक्शन को आगे बढ़ते हुए ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब मैं इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन चलो लिखा रहता हूं, इसके नीचे बता देता हूं। यहां पर हमें अब क्या करना है कि fx is equal to, मैंने ये देखा minus x upon x, x से x cancel out हो गया, one बचा, x से x cancel out हो गया, one बचा, यहां one है with a minus sign, तो x fx is equal to minus 1 when x is less than 0, 0 when x is equal to 0 and plus 1 when x is greater than 0। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी मेरे पास, अब ये मेरे पास आ गया बेटा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? इसमें कहीं पर भी x का कोई रोल नहीं है, fx की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है माइनस वन जब x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 यानी कि मैं LHL की बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जब कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है तो जो उसकी वैल्यू है कॉन्स्टेंट ही रहेगी वो, तो
तो मुझे उसमें कोई फॉर्मूला कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एंड RHL at x is equal to 0 fx, ये कितना हो गया प्लस 1। अभी देखिए LHL और RHL they are not equal, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, this limit also does not exist। तो limit x tending to 0 fx does not exist। ठीक है जी, चले आगे। यस सर। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 25 के अगला देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 अभी यानी कि है नहीं आपके पास एनसीईआरटी, नहीं अभी? नहीं सर। मतलब है तो घर में ही? हाँ। अच्छा तो ढूंढ लेना उसको ढंग से, और मैं क्वेश्चन नंबर 26 सिर्फ लिख रहा हूँ, अपने आप करना उसको, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है इसके जैसा, थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 25 तो ये था और 26 find limit x tending to 0 fx, ये तो यही है, where fx is equal to, where fx is equal to x upon mod x when x is not equal to 0, ठीक है, and 0 when x is equal to 0, बताइए इसमें कुछ करने लायक है, सेम है क्वेश्चन की नहीं? यस सर। माइंड करेंगे मॉड एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस एक्स, एलएचएल के लिए माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस वन, माइनस वन, LHL की वैल्यू माइनस वन, RHL की वैल्यू प्लस वन, अगेन द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन 27 फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एफएक्स, फाइंड limit x tending to 5 fx where fx is equal to mod x minus 5 अगेन क्या है कि जो फंक्शन दे रखा है ना, पहले मुझे इस फंक्शन को डिफाइन करना जरूरी है।
जरा देखो कैसे करूंगा इसको मैं। Let us first define the function. Let us first define the function fx. सबसे पहले आप function fx को define करिए। ये fx जब define होगा, fx किस तरह से होगा define? हम कहेंगे fx is equal to x minus 5. ठीक है, मॉड एक्स को डिफाइन करना है, इट इंप्लाइज दैट बेटा मॉड एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स माइनस फाइव एंड एक्स जब एक्स जीरो से छोटा हो जाएगा तो मॉड एक्स की जगह आ जाएगा माइनस एक्स और दूसरा लिखेंगे प्लस का एक्स माइनस फाइव एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है? Yes, sir. अब जरा देखिएगा, अब मेरे को निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 5, 5 की बात कर रहा हूं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इधर है 0 1 2 3 4 5 ठीक है 1 2 3 4 5। अब 5 से जरा सा ज्यादा होगा तो बेटा उसको बोलेंगे RHL और 5 से जरा सा कम होगा तो उसको बोलेंगे LHL। ठीक, लेकिन अब आप सिर्फ इतना देखो कि 5 से चाहे ज्यादा हो वैल्यू या 5 से कम वैल्यू हो, दोनों ही केसेस में हम 0 से तो बड़े ही हैं, हमारा x तो 0 से बड़ा ही है भाई। अगर 5 से जरा सी कम होगी वैल्यू तो फॉर एग्जांपल कितनी होगी 4.9 और 5 से जरा सी बड़ी हो गई वैल्यू तो कितनी हो गई 5.1। दोनों ही केसेस में हमारा जो x है 0 से बड़ी है, 0 से तो बड़ा ही है। यस सर। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं LHL। LHL at x is equal to 5 fx. LHL at x is equal to 5 fx is equal to limit x tending to 5 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 5 minus h. 5 minus h का मतलब क्या? 5 से जरा सा छोटा। ठीक, चलिए भाई जब वो 5 से जरा सा छोटा है, वो 5 से जरा सा छोटा हो तो मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई x से, तो वो तब भी बड़ा ही है, x तो 0 से तब भी बड़ा ही है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू आएगी x माइनस 5, तो हम क्या करेंगे, हम x की जगह पर डाल देंगे 5 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 माइनस h माइनस 5 माइनस h माइनस 5। बोलिए क्लियर है? यस सर। चलो ये क्लियर हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 5 माइनस एच माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ माइनस एच बचा, वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक सर, ये 5 माइनस एच कहां से आया? हां 5 माइनस एच कहां से आया, ये हो गया ना 5 माइनस एच भाई 5 में से मामूली सी कोई वैल्यू सबट्रैक्ट करूंगा, वो क्या वैल्यू होगी h है ना, तो x की जगह आ जाएगा 5 माइनस h। ठीक है, और 5 h तो जब मैं फंक्शन क्या लगाऊंगा, ये कह रहे हैं x 5 से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, वो x अगर 5 से थोड़ा सा छोटा भी होगा तब भी 0 से तो बड़ा ही है। यस सर। और ये जो मैं रेंजिंग कर रहा हूँ ना 0 से छोटी और 0 से बड़ी, ये रेंजिंग मैंने अपनी तरफ से नहीं करी, इसमें क्या है कि मॉडुलस की डेफिनेशन होती है कि मॉडुलस को जब हम कंपेयर करेंगे तो कर दिए 0 से, 0 से छोटा या 0 से छोटा। ठीक है बेटा, चले आगे। यस सर। अब इसके बाद RHL, RHL at x is equal to 5 fx is equal to limit h
limit x tending to 5 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 5 plus h. फिर वही चीज है, 5 से जरा सा बड़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x greater than 0 वाली रेंज में लाई करेगा. तो अब x की जगह क्या डाल दूंगा, 5 plus h limit h tending to 0 5 plus h minus 5. Is equal to limit h tending to 0 5 plus h minus 5 minus 5 plus 5 cancel. केवल h बचा, h की जगह 0 डाल देंगे तो क्या हो गया 0. तो इस केस में आप देखिए आपके LHM की वैल्यू भी 0 आई और आपके RHM की वैल्यू भी 0 आई, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और इस लिमिट की वैल्यू 0 है. therefore यहाँ लिखेंगे therefore क्या पूछा जा रहा है, limit x tending to 5 fx, limit x tending to 5 fx is equal to. समझे? Yes sir. अब देखिए जी अगला क्या करना है इसमें. अगला है क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, कॉमा एक्स इज लेस देन 1. ये तो मुझे फंक्शन की वैल्यू दी है. और हम ये पूछ रहे हैं एंड इफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx इज इक्वल टू f1 व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, व्हाट आर possible values of A and B. Limit extending to 1 fx का मतलब क्या है, देखिए x less than 1 के लिए value कुछ और है, x greater than 1 के लिए value कुछ और x is equal to 1 के लिए value कुछ और है. जब greater than और less than के लिए value अलग अलग होती है तो मैं LHL और RHL का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो मैं वही लगाने वाला हूँ. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा इसमें
एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, ये जो इन्होंने दे रखा है ना F1, पहले मैं F1 की बात करता हूँ। F1 क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ x, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 1, वो क्या दे रखा है? 4 दे रहा है। अनिकेत मेरा ऑडियो ठीक से सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर। F1 is equal to 4 हो गया, ये तो दे रखा है मुझे। फिर पहले चल की बात करेंगे, पहले चल at x is equal to 1, fx is equal to limit x tending to 1 minus fx, limit x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 1 minus h। ये स्टेप्स तो सेम है ना सभी में। अब मुझे क्या करना होगा, देखिए जब x की वैल्यू 1 से जरा सी छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू है a plus bx, ठीक? तो वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, a plus b, x की जगह क्या आ जाएगा? बस 1 minus h, x की जगह 1 minus h, तो ये हो जाएगा लिमिट x tending to 0 minus h, मतलब a plus b into 1 minus h, लिमिट x tending to 0 ब्रैकेट में a plus b माइनस बी एच। और बेटा अब मैं, मेरे पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो अब मैं h की वैल्यू सीधा 0 डालूंगा। तो जब h की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? a plus b बचेगा बस, पता ये ठीक है? a plus b बचा है तो सिर्फ, यस सर। फिर RHL निकालेंगे, RHL at x is equal to 1 fx is equal to limit जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है? जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन है a plus bx, x की जगह में क्या डालूंगा? 1 minus h, तो a plus b into 1 minus h, a plus b into 1 minus h, ठीक है। चलता हूँ आगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब क्या होगा खुद बताइए, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है? b माइनस ए एक्स, बी माइनस ए, और x की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 1 प्लस h, 1 माइनस h, 1 प्लस h, बेटा 1 प्लस h है ना, आगे चल रहा है, हाँ मैम, है ना? तो ये हो जाएगा b माइनस ए इंटू 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ब्रैकेट में b माइनस a माइनस ए एच। अब h की जगह अगर हम 0 डाल देंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई? b माइनस a, ठीक है। अब गिवन फ्रॉम दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx is equal to f1, that is LHL at x is equal to 1 fx is equal to RHL at x is equal to 1 fx is equal to f1 की वैल्यू क्या है? 4। अब मैं इस तरफ कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा कि
LHL जो है वो भी 4 के बराबर, RHL वो भी 4 के बराबर. LHL क्या आया था, A plus B, तो A plus B is equal to 4. और RHL क्या आया था, B minus A, B minus A is equal to 4. B minus A का मतलब क्या हो गया, minus A plus B is equal to 4. दोनों को ऐड कर दो, A minus A subtract हो गया, B plus B कितना हो गया, 2B, 4 plus 4 हो गया 8, तो B की value कितनी आ गई, 4. और A की value कितनी होगी, A plus B is equal to 4, तो A is equal to 4 minus B, मतलब A is equal to 4 minus 4, मतलब A की value 0. मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. Yes sir. ठीक है, इसमें question number 28 है. अब आपका आज का इसका homework क्या है, पहला homework तो ये है कि NCERT ढूंढनी है. दूसरा नंबर क्या है कि ये जो एक्सरसाइज 13.1 है इसके ये 28 के 28 क्वेश्चंस मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, ये सारे आप करोगे. टोटल इसमें 32 क्वेश्चंस हैं, चार क्वेश्चंस और बचे हैं. वो चार क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर हम आते हैं सीधा डेरिवेटिव्स पर. एक एक्सरसाइज इसमें डेरिवेटिव्स की है, वो डेरिवेटिव्स करके मिसलेनियस निपटा देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. ठीक है सर, सर एक बार नोट डाउन कर लो. हाँ आप नोट डाउन कर लो, और वैसे मैंने वीडियो भी बनाया है, तो वो भी तो लिंक भेज दूंगा, कर लो नोट डाउन कर लो. ठीक है बेटा, ओके.